केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा 6 राज्यों में तकरीबन 55 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यह जो सर्च ऑपरेशन है, ये सर्च ऑपरेशन खालिस्तान और खालिस्तानी आतंकियों के साथ साथ उसके गैंगस्टर कनेक्शन और इसके साथ साथ उसको फंड मुहैया कराने वाले कई हवाला कारोबारियों के खिलाफ इस सर्च ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा है। इस सर्च ऑपरेशन में कई हवाला कारोबारी से बाकायदा विस्तार से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ साथ जो सर्च वाले लोकेशन की अगर बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, राजधानी दिल्ली, इसके साथ साथ जो कुल 6 जो लोकेशन है, इस 6 लोकेशन 6 राज्यों के तकरीबन 55 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस मामले में इस तरह से पिछले काफ़ी समय से जो तफ्तीश की जा रही थी तो उस दौरान ये पता चला था कि कई ऐसे खालिस्तानी आतंकी हैं, उसका विदेश से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, विदेश से फंडिंग आती है और उसको विदेश से फंड कई हवाला कारोबारियों के मार्फत से उसको अलग अलग राज्यों में पहुँचाया जा रहा है। और इस मामले में एक सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी मिली है राजस्थान से जुड़ा हुआ, राजस्थान से जुड़ा एक मामला ये भी है कि वहाँ के रहने वाले कुछ स्थानीय जो लोग हैं, जो संदिग्ध हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से खालिस्तानी सोच को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे, तो उसके बारे में भी जानकारी मिली है। उसके खिलाफ भी इस मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में जब सर्च ऑपरेशन किया गया था, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि खालिस्तानी आतंकी और इस सोच से जुड़े हुए जो कई इसके समर्थक हैं, उसके खिलाफ एक देशव्यापी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन है और आने वाले वक्त में इस मामले पर कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि आज जो सर्च ऑपरेशन हुआ है, उस सर्च ऑपरेशन में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, उसे विस्तार से पूछताछ की जा रही है और आने वाले वक्त में इन तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर कई लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है।